तो गाइस वो देख सकते हैं चूहा, देखिए ये देखिए भाई चूहा दिख रहा है भाई, चूहा चूहे देखिए, चूहे को कहाँ घूम रहा है। ये देखिए भाई, ये देखिए चूहा, चूहा देखो, चूहा देखो कहाँ घूमता है, कहाँ घूमता है। फिर ये घुस के हमारा यहाँ घुसा, फिर हुआ गवा, फिर हुआ निकल के यहाँ गवा, फिर चिल्लाए लगा था जनता ही नहीं मिसाल। क्या कहते हम जाए थे वहाँ गाड़ी लेके, वहाँ तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट में बताइएगा, और ऐसे आपको आगे का ब्लॉग बनता रहेगा। और अभी चलते हैं भाई साहब लोग बाहर, और आज के ब्लॉग में आपको बहुत ही अच्छा ब्लॉग मिलने वाला है भाई साहब। जैसे कि भाई कल मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई गाड़ी पलट गई थी, वो भाई सच बात थी, भाई गाड़ी पलट गई थी। और हम आपको दिखाए आज वाले जो मतलब जो कल मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है वो वाले ब्लॉग भी आपको दिखाएँ कहाँ पर मतलब गाड़ी गिर के कहाँ पर उसको लगा है गाड़ी को, वो आपको दिखाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो आज के ब्लॉग में ऐसे बने रहिएगा। ब्लॉग को ऊपर लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा, और भाई फटाफट से आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए यार। और जल्दी से जल्दी यार मेरा वॉच टाइम भाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भाई मेरा भी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो को ऊपर देखा करिए, एंजॉय करा करिए, और मज़ा आए तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। तो ये चूहा जो आपको लगा वो अच्छा है कि नहीं आई, ये देखिए वो देखिए हिला रहा है भाई, वो देखिए वो देखिए वो देखिए गाइस, चूहा नीचे घूम रहा है गाइस, वो देखिए कोने पे देखिए वहाँ घूम रहा है, वो देखिए देखा गाइस, ये देख सकते हैं भाई, ये देखिए भाई वो देखिए बाहर फिर आएगा, वो एक तो ऊपर जा रहा है, एक तो वो देखिए ऊपर का वो हिल रहा है ऊपर, देखिए वो देखिए देख भी रहा है साइड से हल्का हल्का। नीचे आ रहा है, नहीं ऊपर ये नीचे निकल गया, एक ये आया, दोनों छोटे छोटे हैं इसलिए खेल रहे हैं दोनों। तो गाइस हम लोग तो देखिए बिना कुछ खेले इसको पालना, देखिए तो पला हुआ है चूहा, और सब लोग को पालना पड़ता है, हमको पालना नहीं पड़ता, देखिए हम लोग घर में घूम रहे हैं ऐसे ही। तो गाइस देखिए बहुत ही पुराना पंखा है ये, जो कि बहुत ही साल पुराना है। तो ये मेरे बाबा का पंखा है, जो बाबा पहले अंदर चला करते थे स्कोप में घर पर, उनका ये है। तो गाइस ये देख सकते हैं भाई बहुत पुराना पंखा है, इसके चूहा भी घूम रहा है ऊपर, वो देखिए उस पर कपड़े पे है, वह नीचे आएगा, देखिए जाए। मेरा एयरफोन भी वही रखा हुआ है, वो देख साइड में, कहाँ गया, आजा बाबू, आजा। वो देखिए आ गया था, वो देखिए आ गया। फाइनली गाइस आपको जा चुका है, और वो बाद में आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग ब्लॉग में, और ब्लॉग में ऐसे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो गाइस आपको दिखाते हैं चूहा, ये देखिए भाई साहब, वो देखिए बैठा हुआ अभी भी, ये देखिए भाई, ये देखिए इनका घर, इन्हीं का घर है ये। ये देखिए घर इनका, गाइस फाइनली जा चुके हैं दोनों। मेरे पापा भी आ चुके हैं यहाँ पर, ये रहे भाई, काम करके आए गाइस। चूहा बच्चा भैया घूमत रहा है, इसी पाले हैं हम लोग, गरम पाला या ये सावा या घूमे ये इसका ऊपर, फिर नीचे आवा, फिर वापस आएगा, फिर से आएगा। तो गाइस वो जा चुका है। अब गाइस हम मिलते हैं अभी ब्लॉग में, तो जाते हैं फटाफट से गाड़ी चलाकर आते हैं और देखते हैं आज क्या होता है भाई। तो आज तो मेरी गाड़ी कल रात को ख़राब हो गई थी भाई, जो कि उसमें वो दिक्कत हो गया था कि हमें स्केलेटर जो होता है वो खींचते हैं तो मतलब वो चलता नहीं, आगे नहीं बढ़ता है और ना ही बैक जाता है, रिटर्न वाला भी नहीं चल रहा है। तो गाइस मुझे लगता है उसके अंदर पानी जा चुका है कि वो कल रात को हम लोग 12 बजे आए हैं, तो कल रात को 12 बजे इतना ओस गिर रहा था कि गाड़ी के अंदर भी आ रहा था पानी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है वो गाड़ी का वो ख़राब हो गया है, क्या नाम है, स्विच। तो उसको थोड़ा जाते दिखाते हैं और अगर सही होगा तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं फिर से दिखाते हैं, मिलते हैं थोड़ी बात, गाइस बाय बाय। फाइनली गाड़ी को साफ़ कर चुका हूँ भाई साहब, देखते हुए तो दिखाता हूँ आपको गाड़ी साफ़ करती है भाई। ये देखिए भाई गाड़ी का साफ़ हो चुका है, आगे से पूरा क्लीन हो चुका है। और अब चलते हैं भाई साहब हम लोग गाड़ी को बैक करने के लिए, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। गाइस गाइस निकल जाइए, आज तो ये ख़राब हो गया था गाइस यहाँ पर, जो कि ये वाला हिस्सा ये ख़राब हो गया था, देखते हैं खरीदता कि नहीं चलता। गाइस देखिए बैक नहीं हो रहा गाड़ी, इसको गाइस बनवाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी आ रहा है इसमें। ये देखिए गाइस छोड़ रहा है, छोड़ दे रहा है गाइस, देखिए छोड़ दिया है। तो गाइस इसको देखना पड़ेगा, अभी नीचे से खोलते हैं इसको और नीचे से देखते हैं क्या होता है। इसका सिस्टम कुछ हैंग हो रखा है भाई, तो देखते तो उसको मिलता है। थोड़ी बात बाय बाय। गाड़ी बन चुका है भाई साहब था इसका मुखिया। गाइस हम लोग भाई सुबह से भाई गाड़ी लेके निकले गए, गाड़ी लेके खराब था यार, तो अभी तक गाड़ी खराब चल रहा था। तो यहाँ है गाइस बनवाया है, थोड़ा सा केवल उसमें तार का दिक्कत था, एक फॉल्ट आ गया था उसमें, तो उसके मशीन जो पास में बनाया हुआ है चार्ट फॉल्ट बनाया हुआ है, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ था वो भी दिखाई दी, तो भाई चार फॉल्ट बताया हुआ, पहला फॉल्ट दिखा रहा था, तो पहला फॉल्ट तो दिखा था सेल्टर होता है इसका था, उसका एक तार खराब हो गया था, जल गया था मतलब, तो भी सही हो गया है। तो सही करवा के यहाँ से मतलब तार काटे सही करने का तो सही हो गया। जा रहे भाई हम लोग, पापा चला रहे थे गाड़ी और चलाते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं गाइस। तो गाड़ी को सफर चलते हैं, छोड़ते हैं फिर वहाँ चला रहे, उसके बाद निकलेंगे गाड़ी चलाने के लिए। गाइस आज गाड़ी को चलाएंगे 9 या 10 या 11 बजे तक चलाने वाले, मेरा आज का मेरा फोन निकल नहीं पाया है तो इसलिए हम चलाएंगे देर तक, ठीक है। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, तक गाइस बाय। हेलो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके थे भाई घर पर, और ये देखिए गाइस मैं शीशे में हम तो अपना मतलब चेहरा दिख रहा हूँ गाइस, ये देख सकते हैं भाई चेहरे में शीशे में। तो गाइस अभी तो गाइस हम लोग घर पर आए हुए थे भाई, 7 बजने वाले थे भाई, 9:30 साढ़े 6 हो रहे थे, तो अभी तो पापा घर पर आकर सो चुके हैं, मतलब आराम लगा रहे हैं, मतलब 12 बजे का ड्यूटी है इनका 12 बजे। तो आज हम ले जाएंगे भाई काम कर चलाने गाड़ी, क्योंकि भाई मेरा हुडी जो कि था वो हुडी मेरा ख़राब हो चुका, मतलब गंदा हो चुका, मतलब भीग चुका है, तो भीगा हुआ भी है भाई, शीत भी कर रहा है, तो इसकी वजह से भी सूख नहीं पा रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे भाई उस वाले कमरे पर वीडियो बनाने के लिए, जो कि मैंने कल भी गया था, परसों भी गया था, नरसों भी गया था, मतलब रोज जाता हूँ उस कमरे पर, जो कि वो आप देखें कबूतर का बच्चा मैंने बताया ना, तो भाई वो पता नहीं कि वहाँ पर जाली हुआ है, वो फूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा भाई, मतलब उस पर रखा हुआ ना, जैसे खटिया होता है खटिया पर रखा हुआ, आपको दिखाया था, तो इसीलिए भाई उसको मेरे साथ देखना पड़ता है ना। और कबूतर भी उसी में बैठा हुआ है, पूरा गंदगी मचा डाला है, एक दिन उसको संडे में जाकर धुल डालूंगा पूरा कमरा, पूरा सफाई कर देना उसका। तो भी देखते हैं भाई और चलते हैं फटाफट से हम लोग, सीधा आपको वहीं मिलेंगे, तो बने रहिएगा ब्लॉग में और पूरा देखिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, चलेगा यार बाय बाय। तो गाइस फाइनली में पहुँच गए थे कॉलोनी के अंदर, तो गाइस ये आई फिर कॉलोनी अंदर की साइड, जो कि है सीमंत वाला कॉलोनी। चलते गाइस हम सबसे ऊपर, वहाँ पर सबसे ऊँचे वो साइड ऊपर की साइड आने वाले में पहुँच चुके थे, और ये हमारा घर का दरवाजा खोलते हैं, ये रहा कॉलोनी का सीन भाई साहब। फटाफट से खोलते हैं, चलते हैं भाई साहब आ गए कमरे पर, दरवाज़ा करते हैं बंद और कराते हैं सोना सोना। और लाइट तो भाई फाइनली लाइट चल चुका है भाई, हमारा सेटअप चालू हो चुका है भाई। और ये है हमारी यहाँ की कुर्सी जो कि आंटी जी का बगल में, तो देखते हैं साइड में। अरे साइड में हो गया यह नहीं का आंटी जी का ये सब कुछ, ये दोनों नहीं का नीचे का मूंदिया भाई। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना गंदगी मचा रखे हैं भाई, कबूतर वबूतर बहुत दिक्कत कर दी है भाई, तो इसीलिए भाई नहीं कर पा रहा हूँ भाई। और जैसा कहा वैसा रखा रहता है, तो भाई ये वाला तो गंदा हो चुका है। देखिए पूरा पूरा गंदगी का चारा ले, देखिए क्या कर सकते हैं गाइस, जो है सो है। वो उसी कोने पर गाइस खोला हुआ है, वो सही कोने पर तो छेद कर दिया है ना, तो कुछ रखना कुछ भी रखते हैं गाइस, लोहा लकड़ वो गिरा देता है बार बार, फायदा क्या उसमें रखने का कुछ आने जो है। और जब बनाते गाइस हम लोग वीडियो यहाँ पर, तो गाइस आज का वीडियो में कहीं जा नहीं पाया यार, और मेरा गाड़ी खड़ा था और मैं तो बताया मैंने गाड़ी मेरा होली भी भीगा हुआ था तो वो सूखा नहीं है, वो कल सूख जाएगा गाइस। तो कल मैं जाऊँगा गाड़ी चलाने के लिए, तो सुबह से निकला होता तो ठंड यहाँ पर कम होगा थोड़ा सा, लेकिन सुबह निकला नहीं है तो इसलिए हम चले गए कमरे पर वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा गाड़ी से स्टैंड देख सकते हैं आप लोग, जो कि मैंने खरीदा था 500 रुपये का, इसी डिब्बे के अंदर आया हुआ था गाइस, इसी डिब्बे में करते हैं साइड में। और ये रहा हमारा सड़प, इसको लगा के गाइस वीडियो बनाते हैं, तो करते हैं नीचे और इस तरह हम इसको लगा देते हैं। तो गाइस अब जैसे मुझे ये वाला वीडियो मुझे ऐसे बनाना होता है ना, तो इस तरह लगाते हैं इसको, तो इस तरह तो इधर लगेगा, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना नहीं है, मुझे बनाना है वीडियो, तो इसको इसी तरह बनाएंगे। तो फटाफट से करते हैं, लगाते हैं और वीडियोज़ को बनाते हैं। तो आप उसको एक बात बोलने दीजिए भाई, अब चल मिलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट से प्रो, आप लोग ऐसे चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। वो रात सजेगी लंबी हो